विवादित कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल दिया गया है। कल देर रात नीतीश कुमार सरकार ने कार्तिकेय सिंह का विभाग बदल के कानून मंत्रालय से उन्हें अब गन्ना उद्योग मंत्रालय का जिम्मा दे दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नीरज कुमार, जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भी हैं। नीरज जी, बीजेपी जो इस पूरी कार्रवाई को आई वॉश बता रही है और कह रही है कि नीतीश कुमार ने अपनी नीति के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है और लालू परिवार के दबाव में वो काम कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी को उनके दल के कार्यकर्ता दबी जुबान नहीं खुली जबान से बिहार में गठबंधन तोड़ने के मुख्य गुनाहगार मानते हैं, तो अब वो शब्दों के भी गुनाहगार हो गए हैं। इसलिए माननीय संजय जायसवाल जी, आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब आपके केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे पर जब कार्रवाई हुई थी तो जयकारा लगा रहे थे कि कानून का राज है। आपके दल के विधायक दिवंगत राजकिशोर केसरी के हत्या के मामले में जब पुलिस ने कार्रवाई किया था तो आप तो जयकारा लगा रहे थे उस समय कि कानून का राज है। तो जब सत्ता में रहते हैं तो कानून का राज नजर आता है और सत्ता से जब हटते हैं तो राजनीतिक वियोग में अनर्गल प्रलाप शुरू करते हैं। यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आपको इसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता अपने राजनीतिक जमीन का करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि माननीय संजय जायसवाल जी, जगत नड्डा जी ने आपको एक बड़ा काम सौंपा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करेंगे, तो उसका टाइम फ्रेम बताइए ना कि भादो में कि करिएगा कि आश्विन में कि कार्तिक महीना में होगा, कौन महीना में खत्म होगा। इसलिए माननीय संजय जायसवाल जी को अपनी चिंता करनी चाहिए। बिहार में लोगों को एहसास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के काम करने का जो शैली है उसका एहसास सबको है। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं कि लालू परिवार के दबाव में कार्तिकेय सिंह को हटाया नहीं गया है मंत्रालय मंत्रिमंडल से, बल्कि सिर्फ विभाग बदला गया है, ऐसा पहली बार हुआ है क्या संसदीय जीवन में? सरकार के गठन में मंत्री का विभाग नहीं बदलाता है, ये कौन बड़ी बात है? यह तो ओपन में सीक्रेट है, देश के अंदर में ऐसा होता है। इसलिए इस ढंग की बात करना केवल इसलिए कि राजनीतिक वियोग हो गया है और अपने आप को जो कि दोषी मान रहे हैं तो अपना बचाव करने के लिए राजनीति में कुतर्क दे रहे हैं। हम माननीय संजय जायसवाल जी से ही जानना चाहते हैं कि आपके दल के नेता पर कार्रवाई होती थी तो आपकी जुबान खामोश क्यों हो जाती थी? और अभी तो आपको उदाहरण है, आप ही के दल के विधायक है ना जो राजनीतिक कंस के रूप में अवतरित हो गए, मैंने अभी बंदूक लेकर करके और वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो कानून के नजर में दोषी माने गए थे, FIR दर्ज हुआ कि नहीं? तो इसके बारे में भी जरा बोलिए कि हमारे दल के विधायक कैसे हथियार लहरा रहे थे और ये वीडियो वायरल हुआ, आपके पन्ना प्रमुख थे, आपने क्यों नहीं जानकारी इसका दिया? तो आपके दल के विधायक गलत आचरण करते हो उस पर आपकी चुप्पी हो जाती है, तो कानून का पालन कर रहे थे क्या? तो नीरज कुमार यहाँ साफ तौर पर सरकार का बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं जो कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से विभाग बदला गया है कार्तिकेय सिंह का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विशेषाधिकार होता है। हालांकि जहां तक बीजेपी इस पूरे प्रकरण को एक आई वॉश बता रही है उसको लेकर उनका कहना है कि सत्ता में अब नहीं है बीजेपी, इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।